हेलो यू गाइस एंड वेलकम टू दिबीना डीकोड्स। आज एक इंटरेस्टिंग एपिसोड है क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ बात तो करूंगी ही, साथ साथ में खुद में एक इट्स लाइक एन इंट्रोस्पेक्टिव एपिसोड। तो टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बीइंग एन एक्टर इन्फ्लुएंसर। लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्स फर्स्ट। जब हम ट्रैवल करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हमेशा हर एक चीज़ को रिकॉर्ड किया जाए ताकि कोई भी चीज़ आप लोग मिस ना करें देखने। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दिबीना डीकोड्स। आज हम लोग दुबई में अचानक सोचा एक फ़ोटो शूट करते हैं। हम लोग प्रोफेशनल फोटोग्राफर तो नहीं है तो इसलिए बहुत अच्छा फ़ोटो हम खुद खींच नहीं पाते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम में और सोशल मीडिया में अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ अपलोड करना ज़रूरी है। तो इसीलिए आज हम लोग बाहर आए हैं एक फ़ोटोग्राफर के साथ। ही इज़ फ्रॉम पाकिस्तान एंड वी आर डूइंग अ शूट विथ हिम। सुबह सुबह उठ के हम लोग ने मेकअप कर लिया होटल रूम में ही, और उसके बाद निकल चुके हैं मरीना जो बोल के जो इलाका है दुबई में, वहाँ पे हम लोग घूम घूम के फ़ोटोशूट कर रहे हैं, और होटल में जा रहे हैं, चेंज कर रहे हैं और फ़ोटोशूट कर रहे हैं। लेट्स हैव अ लुक। ये है हमारा होटल और ये है हम नीचे जाके शूट कर रहे हैं। फॉर अ सिचुएशन लाइक मी, एक एक्टर इन्फ्लुएंसर, हमेशा आदत रह चुकी है कि एक मेकअप आर्टिस्ट आए मेकअप कर दे, हेयर ड्रेसर आए हेयर कर दे, लेकिन स्पेशली जब ट्रैवल कर रहे होते हैं और फ़ोटो शूट अरेंज किया हुआ होता है तब क्या होता है, खुद ही मेकअप करना होता है, खुद ही हेयर करना होता है। क्योंकि हम ये नहीं बोल सकते कि यार मेकअप आर्टिस्ट नहीं है, हेयर ड्रेसर नहीं है, फ़ोटोशूट नहीं करेंगे। फ़ोटोशूट भी करना है, उस फ़ोटोशूट को रिकॉर्ड भी करना है और आप लोगों को दिखाना भी। ऐसी सारे सिचुएशंस में जहाँ पे अच्छे फ़ोटोज़ चाहिए होता है, प्लस हम लोग को उसको डॉक्यूमेंट भी करना होता है, प्लस घूमना भी होता है, तो हो जाता है एक्चुअली बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर। उस टाइम पे ज़रूरत होता है एक्स्ट्रा केयर फॉर द स्किन। अनदर कॉन्स दैट आई वुड सी इज यू नो, बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ वेदर, क्लाइमेट, एक जगह से दूसरी जगह मतलब घूमने फिरने से, ऑड आवर्स में सोना, उठना, ज़्यादा प्रॉपरली नींद नहीं लेना, तो उन सब चीज़ों के लिए होता है एक्ने। एक्ने चला भी जाता है तो रह जाता है एक्ने मार्क्स, और स्किन में होता है एक्सेसिव सीबम प्रोडक्शन। इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ एक्ने मार्क्स एंड एक्सेसिव सीबम प्रोडक्शन, आई विल क्विकली गिव यू अ टिप, दैट इज़ अप्लाई नायासाइनामाइड। जब हम ट्रैवल करते हैं स्पेशली और बहुत सारी चीज़ें यू नो कैरी नहीं कर सकते, लेकिन स्किन डिसकलरेशन होता है, पिंपल होता है, चला जाता है, मार्क्स रह जाता है, और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ यू नो आई हैव टू हैव यू नो द ग्रेटेस्ट स्किन। हमेशा कोशिश होती है कि मेरे स्किन में कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। सो देयर कम्स द 3% नायासाइनामाइड फोमिंग फेस वॉश। What is niacinamide? Niacinamide is vitamin B3, which is commonly found in fruits like avocados. This face wash also has glycolic acid, so it actually does a little bit of gentle exfoliation on top. So it actually helps clear up the acne marks even more. यू नो, इन स्किन केयर होमोजीनिटी ऑफ इन्ग्रीडियंट्स इंक्रीजेज एफिशियंसी। मतलब एक ही रेंज का अगर सारे प्रोडक्ट्स हो तो आपके स्किन में उसकी एफिशियंसी मतलब काम करने का क्षमता बढ़ सकता है। ऑल डर्माको प्रोडक्ट्स आर डिजाइंड यूजिंग साइंटिफिक इन्ग्रीडियंट्स एंड दे आर एन ऑनेस्ट ब्रांड। दे रिवील द एग्जैक्ट परसेंटेज ऑफ एक्टिव इन्ग्रीडियंट्स ऑन द पैकेजिंग इटसेल्फ, एंड यू विल गेट एन एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट विद द कोड दिबीना20 ऑन डर्माकोज own website, and the products are available here. Positive point of being an influencer is immense. जब आप लोग मुझे लिखते हैं कि आप लोगों को ये प्रॉब्लम हो रहा है, डार्क सर्कल्स है या एक्ने मार्क्स है, कितने सारे प्रॉब्लम्स आप लोग लिख लिख के भेजते हैं, इतने लोगों को जो मदद मिलता है वो करके जो मुझे सेटिस्फैक्शन मिलती है, ये डेफिनेटली एक प्रो है। और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि घूमते तो बहुत लोग हैं,
लेकिन थोड़ा सा जब मैं बचपन में घूमती थी या इन्फ्लुएंसर बनने से पहले जैसे घूमती थी, थोड़ा सा मतलब आलस चढ़ा रहता है। एक जगह बैठे रहते तो बहुत देर तक बैठे रहते हैं, टेक्निकली बहुत सारी ऐसी जगह देखना नहीं होता, लेकिन फ़ोटोग्राफ्स खींचने के लिए या आप लोगों को दिखाने के लिए अभी एक्चुअली बहुत ज़्यादा घूमना हो जाता है। एक दिन को सुबह से शाम तक बहुत लंबा और बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो जाता है। मास्क पहन लिया जाए इससे पहले कि कोई सिक्योरिटी वाला हमें बोले कि आप मास्क पहन लो या 5,000 dirham का फाइन चढ़ा दे। वो जो आदमी टहलता हुआ आ रहा है, क्या वो सिक्योरिटी गार्ड है? क्या वो हमें बोलेंगे मास्क पहनो? वो जो हेलीकॉप्टर है ऐसा फोटो में दिखाना है कि वो पर्सनल हेलीकॉप्टर है, तो वो होना चाहिए था फोटोग्राफी का कमाल। और तो कोई रास्ता है नहीं, क्योंकि वहाँ पे ना ये दीवार है तो उसकी उस पार तो जा नहीं सकते, तो इसीलिए बाहर से ही खिंचवाना पड़ेगा। अभी देखिए भैया, इन लोगों का शौचालय भी कितना खूबसूरत है, वो भी हमारे लिए एक फोटोग्राफिक क्या बोलते हैं स्थान हो गया है। वी आर डूइंग सम फोटो शेष देयर। और एक वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट जो मेरे मन में आया, जो मैं कहना चाहूँगी कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा सब अलग 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 हुए पड़े हैं इंसान, जाति धर्म में के भेदाभेद में हुए पड़े हैं इंसान। लेकिन जब हम बाहर ट्रैवल करते हैं और जब ऐसे फ़ोटोज़ खींचने की बारी आई और हमारे पास एक फ़ोटोग्राफ़र आए, ही इज़ फ्रॉम पाकिस्तान, और हम लोगों ने इतने अलग तरीके से मिले और दोस्ती हुई और इस तरीके से हम लोगों ने फ़ोटोग्राफ्स खींचे, बातचीत हुई। हम खाना खाने बैठे, सोचा शूट तो चलता ही रहेगा, ब्रेकफास्ट कर लिया जाए, नहीं तो फिर भूख लग जाएगी ना। लोग तीनों बैठ गए खाना खाने। सो ही इज चेकिंग माई YouTube चैनल। बिल्कुल ही अलग था ये सिचुएशन, बिल्कुल डिफरेंट था, ये फीलिंग बहुत अच्छी थी। और इसी के साथ ख़त्म हो जाता है मेरा ये वीडियो, और आप बताइए कैसा लगा। और ये मैं हूँ, और ये दिबिना। उठो, उठ जा लड़की, उठ जा, उठ जा। तो मुश्किल से तो सोने को वक्त मिल गया, सोने दो। ठीक है। इतने सुबह सुबह उठे, शूट किया धूप में और बहुत जोर से थक गए हैं, इसीलिए थोड़ी देर नींद ले लेते हैं। आप लोग भी सो जाइए, और ये व्लॉग अगर अच्छा लगे तो मुझे लाइक दे दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, ये फोटोज़ कैसे आए वो अभी आप देख लीजिए। I'm